मसीह के मधुर और जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ खुदावंत की पाक प्रेजेंस में। और मैं ये विश्वास करती हूँ कि आप मेरे खुदावंत प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जलाली हाथों में हैं। हालेलुया। आइए हम प्रिय भाई बहनों रोजाना की तरह प्रार्थना में चलते हैं। और मेरा विश्वास है कि रोजाना की तरह आप इस प्रार्थना को सुनने के बाद सेम नहीं रहने वाले हो। हालेलुया। और मैं ये भी जानती हूँ कि बहुत सारे लोग इस प्रार्थना को सुनने के बाद अपने जीवन को बदलेंगे। अपने जीवन को तो वो बदलेंगे, साथ में उनके जीवन की जो परिस्थितियाँ वो भी बदल जाएंगी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता का जिसने ये सुंदर समय दिया। प्रिय भाई बहनों आप मेरे साथ मिलके प्रभु का धन्यवाद करें। सर्वशक्तिमान दयावान दयालु कृपालु महान सामर्थ्य पिता प्रभु यीशु मसीह प्यारे परमेश्वर पवित्र आत्मा यहोवा परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, सुंदर शाम के लिए प्रभु और आने वाली रात के लिए। पिताजी हम धन्यवाद करते हैं कि आपने दिन भर हमें संभाला, हमारी जरूरतों को पूरा किया पिता परमेश्वर, हमारे ऊपर अनुग्रह किया दया की है पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर हिस्से में प्रभु परमेश्वर हमने तेरे नाम से ब्लेसिंग को पाया है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने पूरा दिन हमें तंदुरुस्त रखा है पिता परमेश्वर। और अब हम पिता परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं खुदावन अपनी प्रार्थना और विनतियों के साथ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। खुदा हम पिता परमेश्वर तेरे आगे खुदा पाक रूह की सहभागिता को मांगते हैं, तेरे पवित्र कलाम को मांगते हैं खुदाबंद। रोजाना की तरह हमें पिता परमेश्वर हमें पाक रूह की सामर्थ की तरह भर दीजिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। और खुदा पाक कलाम के द्वारा हमसे बातें कीजिए ताकि हम जब बिस्तरों पर लेटे तो खुदाबंद तेरे पाक रूह का जो अर्थ है और खुदाबंद जो पवित्र कलाम है वो हमारे हृदय में बस सके मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। और हम तेरे पाक कलाम को लेते हुए बिस्तरों पर लेटने पाए और पिता परमेश्वर सुबह हम उठे तो पिता परमेश्वर नए जोश के साथ नई उमंग के साथ और नए मसे के साथ प्रभु परमेश्वर हम उठे अपने बिस्तरों पे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए और अपनी पाक रूह को भेजने के लिए और हमारे लिए अपने पाक कलाम को भेजने के लिए। पिता प्रभु तेरा पाक कलाम हमें सिखाता है, हमें बढ़ाता है पिता परमेश्वर, हमारी कमियों कमजोरियों को दूर करता है पिता परमेश्वर, हमसे बातें करता है। इस पाक कलाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं, मांगते हैं पहले पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में। सब बोलिए आमेन आमीन। तो प्रिय भाई बहनों आज का जो वचन है वो हम पढ़ेंगे फिलिप्पियों की पुस्तक उसके चार बाब के हम चार को पढ़ेंगे, फिलिप्पियों चार उसके चार को। तो वहां लिखा है प्रिय भाई बहनों प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। सब बोलिए आमेन आमीन। प्रिय भाई बहनों यहाँ फिलिप्पियों को कलीसिया को वचन दिया जा रहा है, पॉलस कह रहा है कि प्रभु में हमेशा आनंदित रहो। चाहे प्रिय भाई बहनों इस वक्त आप दुखों में हैं, परेशानियों में हैं, विपत्तियाँ हो सकती है, परेशानी हो सकती है, आपको किसी बात की चिंता हो सकती है, शायद वो आपकी सेहत के रिलेटेड हो सकती है, चाहे वो आपके बिजनेस के रिलेटेड होती है, कर्ज के रिलेटेड हो सकती है, घर के कलेश के रिलेटेड कोई परेशानी हो सकती है, तो परमेश्वर क्या कहता है कि आनंदित रहो, हर बात में आनंदित रहना। हर बात में क्या करना है परमेश्वर कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित कीजिए। अगर आप दुखों में है ना प्रिय भाई बहनों तो निवेदन करें प्रभु के आगे, निवेदन करें कि प्रभु हमें निकाल इन दुखों में से, हमें इन परेशानियों से निजात दे। अगर आप खुश हैं आप सब कुछ प्रभु ने आपको दिया हुआ तो फिर प्रार्थना करिए, औरों के लिए भी प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जैसे मुझे आपने ब्लेस किया है परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो भी ब्लेसिंग को पाए। ये संसार पर परमेश्वर जो तूने लोगों को अपने लोगों को भेजा है संसार पर वो पिता परमेश्वर तेरे नाम में पिता परमेश्वर तेरे पास लौटने पाए। आप औरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और विनतियां कर सकते हैं प्रभु के आगे। अगर आपका कोई काम रुका हुआ है,
कोई खास काम है तो उनके लिए विनती कर सकते हैं, चर्चों के लिए, प्रभु के लिए आगे विनती कर सकते हैं। प्रभु जी भवनों के बहुत सारे काम है जो रुके पड़े हैं वो होने चाहिए, विनती प्रभु के आगे कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है? धन्यवाद के साथ, हर परिस्थिति में धन्यवाद करना है। चाहे आप खुशी में हैं तो आपने प्रार्थना करनी है, चाहे आप दुख में हैं तो आपने क्या करना है? निवेदन करना है। बड़े दिन तक संवेदन का मतलब है किसी को, मतलब अपना निवेदन देना, मतलब अपनी बात प्रभु के आगे रखनी बड़ी नम्रता के साथ। अगर किसी के पास हम जाते हैं, कहीं ऑफिसर के पास जाते हैं, हम निवेदन पत्र देते हैं, है ना, कोई छुट्टी लेनी हो जाए, कुछ काम करना, तो हम क्या कहते हैं? निवेदन पत्र देते हैं। मतलब हम अपनी बात को उनकी आगे रखते हैं कि वो हमारी बात को सुने और हमें वो काम करने की इजाज़त दे। तो आपने भी परमेश्वर के आगे, अगर विपत्ति में, चिंता में, बोझ में, तकलीफ में, आपने विनती करनी है परमेश्वर के आगे, निवेदन करना परमेश्वर के आगे। ये प्रिय भाई बहनों प्रार्थना करने के जो कह सकते हैं हम स्टाइल कह सकते हैं कि प्रार्थना करने के अलग अलग गुण होते हैं। मैं आगे चल के आपको प्रार्थना में कैसे बढ़ना है और प्रार्थना कैसे करनी है, किस रीति से करनी है और प्रार्थना करने के कितने तरीके होते हैं, ये तीनों तरीके प्रार्थना करने के अलग अलग है प्रिय भाई बहनों। तो आपने इन प्रार्थना को धन्यवाद के साथ करना है, चाहे दुख में, परेशानी में, आपने कैसे प्रार्थना करनी है, आपने धन्यवाद करना है धन्यवाद के साथ। चाहे आपको कैसा भी लगो, आपने कहना परमेश्वर, चाहे पिता परमेश्वर तू मुझे आशीष दे चाहे ना दे, पर मैं तेरा हूं और सदा तेरा रहूंगा। प्रभु परमेश्वर तू मुझे मेरे फाइनेंस को बढ़ा या ना बढ़ा, परमेश्वर मैं तेरा संग नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूं कि परमेश्वर तू मुझे कभी भी ऐसे नहीं रहने देगा, तू मुझे बढ़ाएगा, मेरी शर्मिंदगी को दूर करेगा। मतलब विपत्तियों में भी क्या करना? धन्यवाद करना। हर हालात में परमेश्वर का क्या करना? धन्यवाद करना, थैंक्स करना। का शरीर आपका साथ नहीं दे रहा, इसमें बल नहीं है, आपकी हड्डी वगैरह टूटी हुई है, मंजे पर लेटी हुई सालों से, तो क्या करना है? धन्यवाद करना, इन परिस्थितियों का भी धन्यवाद करना। जब ऐसे दुखों में भी धन्यवाद करते जाएंगे ना, तो परमेश्वर आपको, आपके शरीर में बल देगा, आपको खड़ा करेगा, आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया, मेरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा आप सुपर ब्लेसिंग को ले चुके हो। आइए हम लास्ट प्रार्थना में चलते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं परमेश्वर का जिसने हमें ये पाक कलाम दिया। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, हम तारीफ करते हैं सैनों को यहोवा कि आपने हमें इस पाक कलाम के द्वारा बताया कि चिंता नहीं करनी, हर वक्त आनंद में रहना, हर वक्त शांति में रहना। मैं हूँ तेरा परमेश्वर, तेरी चिंता करने वाला पिता परमेश्वर। आपने कहा अपनी प्रार्थना, अपनी विनती है धन्यवाद के साथ मेरे सामने उपस्थित करने पिता परमेश्वर, तो हम हाजिर है खुदा, अपनी विनतियाँ, अपनी प्रार्थना और अपने निवेदन को लेके पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन पिता परमेश्वर इस वक्त इन वीडियो को देख रहे हो, इस चैनल के साथ जुड़े हुए पिता परमेश्वर, दिन रात पिता परमेश्वर हमारे साथ प्रार्थना में रहते हैं खुदावंद पिता परमेश्वर, आज इनके ऊपर बड़ा अनुग्रह करना पिता। मैं इनके लिए प्रार्थना करती हूँ, तेरी विनती निवेदन करती हूँ पिता परमेश्वर, आज अपने हालातों से छूटने पाए पिता, अपनी बीमारियों से छूटने पाए, जो सालों से इन्हें लेकर बैठी हुई पिता बिस्तरे पर, प्रभु जी आज इनका लास्ट डे हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर यीशु, तेरे सामर्थ्य नामे ये अपने बिस्तरों से उठ खड़े हो जाए, इनकी हड्डियों पे बल आ जाए पिता परमेश्वर, इनके शरीर में जान आ जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। जैसे पिता परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वो अगर तुम उस पर विश्वास करते हो वो तुम्हें भी जिलाएगा। फिर मेरे भाई बहनों विश्वास कीजिए, प्रभु आपको भी जीवित करेगा, आपके मुर्दा शरीर को जीवित करेगा, आपके मुर्दा बिजनेस को जीवित करेगा, आपके पति पत्नी के जो मुर्दा रिलेशनशिप है उनको मेरा परमेश्वर जीवित करेगा। बस आपको आनंदित रहना, प्रार्थना करनी, निवेदन करनी, गुजारिश करनी प्रभु के आगे कि प्रभु परमेश्वर हर दुख में हम तेरे साथ है, हर सुख में तेरे साथ है मेरे परमेश्वर। जब ये तेरे साथ वादा करे प्रभु जी, इनके पिता परमेश्वर तमाम मसलों को देखना और इन्हें पूरा करना, इन्हें आजाद करना हर दुष्ट आत्मा से, इन्हें आजादी देना, इन्हें छुटकारा देना हर रोग से, हर बीमारी से छूटने पाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में, और ये बड़े बड़ी के साथ प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में। मैं विश्वास करती हूँ कि पिता आपने हमारी विनती को सुना है और कबूल किया पिता परमेश्वर। इन सभी भाई बहनों को प्रभु जी आज रात आज शाम प्रभु जी मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ, तेरे लहू में कवर करती हूँ। मांगती है प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मदर और जलाली नाम में। सब बोलिए आमेन आमेन। आप सब ब्लेस है प्रिय भाई बहनों, आप सब ब्लेस है। इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। और प्रिय भाई बहनों अगर आप हमारी चर्च की सेवा के लिए दान देना चाहते हो तो नीचे गूगल पे नंबर आया, आप यहाँ पर दान भी दे सकते हैं। चर्च की बहुत सारी ज़रूरतें हैं और ऐसे आपके दान के बिना वो पूरी नहीं होंगी। परमेश्वर आपके लोगों को ही हमारे लिए खड़ा करता है, तो इसलिए दान दीजिए ताकि हमारी चर्च की ज़रूरतें पूरी हो जाएँ। प्रभु आपको आशीष दे, ब्लेस करे सबको मेरी तरफ से। जय मसीह।